नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हरदोई सीमा के पास कार सवार अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। डायल 112 ने घायल को CHC अलागंज भिजवाया, जहां से उसे शाहजहांपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रहने वाले थाना मंजिला में रहा है, फतेहपुर गाजी मंजरा बिंदुआ के रहने वाले हैं। हमने गौरव बहू है उसके इनने रेप किया था, अरुण सिंह, कुलवंत सिंह, गुरताप सिंह, तो उसमें हम गवाह हैं। शाहजहांपुर के जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पत्रकार अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गया। यही नहीं, पीड़ित पत्रकार ने आत्मदाह करने की धमकी भी दी। सूचना मिलते ही नगर मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पत्रकार रामवीर सिंह ने मजिस्ट्रेट से बताया कि उसका घर कई वर्ष पहले नदी के कटान बह गया था और वो बेघर हो गया था, लेकिन करीब 25 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान ने उसे ग्राम समाज की जमीन पट्टे पर दी थी, लेकिन वर्तमान में ग्राम प्रधान और लेखपाल 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिससे पीड़ित नाराज है। मैंने रुकनपुर में आके खड़े लिख सबसे बराबर रह रहा हूँ। पिछली बरस से प्रधान वीरज कुमार, प्रधानपति लेखपाल राजवीर सिंह हमारे पीछे पड़ गए। हमसे पैसा लिया, 50,000-55,000 दे चुका हूँ आवास इनाम पर। अब जो परसों हमसे पैसा मांगा गया, नहीं देने पर हमारे जो है आईजीडी भी चलवा दी, हम मकान उजाड़ दिया और जो है हमको थाने बंद करवा दिया, एक बार हमारा चालान किया गया है। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव घर में पड़े मिले। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि घर वालों के विरोध के चलते दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। थाना रोजा की ITI कॉलोनी में दो घरों में अलग अलग जो है एक लड़के का और एक लड़की का जो है शव मिला है, और प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लगता है। इनके मकान आमने सामने हैं और इस संबंध में थाना रोजा पर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हरदोई के बेनीगंज थाने में तैनात महिला सिपाही सिद्धार्थी का शव कमरे के अंदर फांसी पर लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और महिला सिपाही की मौत की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई। साथ ही इस मामले में अब जांच की जा रही है। सिपाही की मौत की सूचना परिजनों को भी दे दी गई। बेनीगंज थाने में तैनात थी, 19 बैच की थी, जिसने अभी लगभग 1 बजे के आसपास अपने कमरे में प्राइवेट घर में अपने से कमरा लेकर रहती थी, इसमें फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर है, पूरी बात की जानकारी की जा रही है। लास्ट इसकी बातचीत इसके एक लड़के से हुई है जो MP में इसी के गांव का लड़का था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए सराफा व्यापारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। सराफा व्यापारी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ झूठी साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस ने सराफा व्यापारी सूरज को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी जनपद दौसा से बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सूरज का अपने ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके आधार पर सराफा व्यापारी ने अपने लापता होने की झूठी स्क्रिप्ट बनाई और अपने आप को लापता दिखा दिया। दिनांक 29 तारीख को थाना दोलाना पर एक सूचना लिखित रूप में प्राप्त हुई थी, एक सराफा व्यापारी सूरज सनफ छोटेलाल के गुमशुदा होने के संबंध में, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की गई, जिसको विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए और खोज करते हुए मेहंदीपुर बालाजी से बरामद किया गया थाना दोलाना पुलिस के द्वारा। उससे पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद ये पूरा मामला जो जानकारी में आया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारतीय किसान संगठन ने मासिक बैठक का आयोजन कर क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र तहसीलदार को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित राणा के नेतृत्व में जुटे किसानों ने कहा कि प्राइवेट ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाएं, किसानों को बिजली 8 घंटे की बजाय 16 घंटे दी जाएं, बिल मीटर की गड़बड़ी ठीक करवाई जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में धौलाना तहसील पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर किसानों की समस्या के समाधान की गुहार लगाई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा ने कहा कि देश की खुशहाली के लिए किसानों की तरक्की जरूरी है, यदि किसान परेशान है तो देश की वर्तमान और भविष्य की स्थिति भी परेशान ही होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक अभियान चला पिछले 6 तारीख से किसानों की समस्याओं को लेकर। कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव गए, किसानों की समस्याओं को जाना, उसमें मुख्यतः छुट्टा जानवरों से किसानों को फसल का नुकसान होना, लागत बढ़ करके उपज का मूल्य कम मिलना, ये तमाम समस्याएं थीं। पूरे उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारे परिवारी बड़े भाई विदित चौधरी जी, हमारे सतीश शर्मा जी, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के पास जा करके कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को बूझ रहे हैं, मांग पत्र भरवा रहे हैं। वही मांग पत्र में जो समस्याएं किसानों ने बताई, उन्हीं किसानों की लड़ाई के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर
ज्ञापन दिए जा रहे हैं? जैसे कि सतीश शर्मा जी ने बताया कि 6 तारीख से हमारे कांग्रेस के साथी गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को संकलित कर रहे हैं, और उन्हीं समस्याओं को संकलित करने के बाद आज हमने तहसीलदार और SDM साहब को एक ज्ञापन के साथ साथ में वो समस्याओं का भी जो हमारे पास में फॉर्म था उससे भी हमने अवगत कराया है। उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में दंगा बीजेपी के लोगों ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, जी, इस सरकार के इशारे पर, सरकार मतलब राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा फैलाया। ये तो स्पष्ट हो गया है, आप ही लोगों के पास दंगा भड़काने वाले लोग थे, तो जो भाषा बोले तो भाजपा के लोग। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।